हेलो बच्चों, तो आज कक्षा 5 की जो दूसरी अध्याय है उसका जो प्रश्न उत्तर है हम उस पर जाएंगे। तो उससे पहले मैं बता दूं कि ये आप आपकी जो मुख्य पुस्तिका भाषा सेतु है उसे भी रखिए, ठीक है। और आपकी जो व्याकरण की किताब मानवी हिंदी व्याकरण एवं रचना कक्षा 5 ये भी साथ में रखिए। और इसका जो आप पेज नंबर 40 पर रखिए, इसको निकाल कर ये 40, और ये आपकी जो सर्वनाम विषय है सर्वनाम, और ये लेसन 7 है सर्वनाम, इसको आप निकाल के रखिए। फिर हम प्रश्न उत्तर पे चलते हैं, ठीक है। तो देखिए प्रश्न उत्तर में आपका जो है भाववाचक संज्ञा लिखो। पहला प्रश्न है भाषा बोधन का भाववाचक संज्ञा लिखो, ये आपका जो पेज नंबर है 17। तो इसका प्रश्न है भाववाचक संज्ञा लिखो। एक उदाहरण दिया गया है निर्धन, निर्धन से भाववाचक संज्ञा बना निर्धनता, सत्य सत्यता, ईमानदार ईमानदारी, सुंदर सौंदर्य या फिर सुंदरता भी हो सकता है, गरीब गरीबी, परिश्रम परिश्रमी, ठीक है। तो अभी देखिए ख नंबर पे है पढ़ो और समझो। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तो हमें अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखना है। यहाँ पे दिया गया है, इसको पढ़िए और समझिए। जो व्यक्ति न्याय पसंद करता हो उसे क्या कहते हैं? न्यायप्रिय। जो राजा प्रजा का पालन करता हो उसे क्या कहते हैं? प्रजापालक। जो सदा सत्य बोलता हो सत्यवादी। परिश्रम करने वाला परिश्रमी। जो प्रशंसा करे प्रशंसक, ठीक है। तभी ग नंबर प्रश्न जो है आपका, निम्नलिखित वाक्यों में आए सर्वनाम शब्द छांटो और उनका भेद लिखो। तो बच्चों ये जो प्रश्न है इसके लिए आपको सर्वनाम को समझना जरूरी है। तो पहले हम सर्वनाम को समझेंगे, उसके बाद हम यह प्रश्न उत्तर करेंगे, ठीक है। तो अभी इसको रखिए आप, अब ये सर्वनाम पे चलिए, ठीक है। तो ये है आपका जो पेज नंबर 40 पे आइए। सर्वनाम, सर्वनाम शब्द दो शब्दों को मिलाकर बना है, सर्वयुक्त नाम अर्थात सबका नाम। वैसे तो संसार में प्रत्येक वस्तु व्यक्ति या स्थान का कोई ना कोई नाम होता है, तथापि सर्वनाम सभी के लिए प्रयुक्त होने वाले नाम है। मतलब नाम के बदले जो शब्द हम प्रयोग करते हैं उसे हम सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। वे शब्द जिनका संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। तो जिन शब्दों को हम संज्ञा के स्थान पर प्रयोग करते हैं उन्हें हम सर्वनाम शब्द कहते हैं। जैसे कि मेरे पिताजी आज मुंबई जाएंगे, ये जो मेरे है, ठीक है, ये शब्द है सर्वनाम। हम कभी एक दूसरे से नहीं लड़ेंगे, ये जो हम शब्द है ये है सर्वनाम, ठीक है। और ये यह विद्यालय तुम्हारा, यहाँ पे है यह और यह है तुम्हारा, तो ये संज्ञा शब्द के स्थान पर उपयोग किए गए हैं और यह है सर्वनाम शब्द। तो सर्वनाम शब्द सभी प्रकार की संज्ञाओं के लिए प्रयुक्त किए जा सकते हैं। इनके प्रयोग से बार बार संज्ञा शब्द के प्रयोग से बचा जा सकता है। सर्वनाम के प्रयोग से वाक्य में स्पष्टता एवं संक्षिप्तता का गुण आ जाता है। तो हम जैसे ही एक वाक्य लिखते हैं, अगर मेरा घर, मैं ऐसा कुछ अगर किसी के बारे में लिखेंगे, मान लीजिए किसी लड़के का नाम राहुल है, ठीक है, तो राहुल ने खाना खाया, राहुल जा रहा है, राहुल भाग रहा है, ऐसे बार बार लिखेंगे तो वो सुनने में अच्छा नहीं लगेगा। तो हम जैसे वाक्य को सुंदर बनाएंगे इसके लिए हम सर्वनाम का प्रयोग करेंगे। जैसे कि राहुल, उस लड़के का नाम राहुल है, उसने खाना खाया, वो भाग रहा है, ऐसे उसने वो, ये जो शब्द हमने उसके लिए प्रयोग किए ये है सर्वनाम शब्द, ठीक है। तो आगे देखिए सर्वनाम के कितने भेद हैं। तो सर्वनाम के 6 भेद हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा प्रश्नवाचक सर्वनाम, पांचवा संबंधवाचक सर्वनाम और छठा निजवाचक सर्वनाम।
तो सर्वनाम के कितने भेद हैं? सर्वनाम के 6 भेद हैं। अभी इन भेदों को हमें समझना पड़ेगा, ठीक है। इन भेदों को समझने के लिए हमें आगे का पढ़ना पड़ेगा। और ये देखिए यहाँ पे उदाहरण भी है। तो पहला जो है पुरुषवाचक सर्वनाम, उसमें कौन कौन से सर्वनाम आते हैं? जैसे उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, ठीक है। पुरुषवाचक के 3 भेद हैं। एक है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है, दूसरा है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है और तीसरा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है। उत्तम पुरुष कौन है? जो मैं और मेरे, जो अपने बारे में बोलते हैं, उसे हम कहते हैं उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है। अब मध्यम पुरुषवाचक कौन से हैं? जो सामने खड़ा है, तुम और तुम्हें, ठीक है, ये तुम्हें होगा, मेरी ये गलत है, ये तुम्हें होगा, तुम तुम्हें, ये जो हैं वो है मध्यम पुरुष, जो सामने आपके हैं उसके बारे में बोल रहे हैं, ठीक है। और जो अन्य पुरुष है, जो अन्य है कोई और, उसके बारे में हम बोल रहे हैं। जैसे कि उदाहरण वे, ये जो अन्य पुरुष के उदाहरण हैं, ठीक है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं, उत्तम पुरुष जो अपने बारे में बोलते हैं, मध्यम पुरुष जो सामने वाले के बारे में बोलते हैं और अन्य पुरुष जो किसी और के बारे में, ठीक है। तो ये 3 भेद हैं पुरुषवाचक सर्वनाम के। तो हमें भेदों को समझना जरूरी है, ठीक है। इसके लिए हमें ये लेसन पढ़ना पड़ेगा, ये अध्याय पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद हम उस क्वेश्चन पे, उस प्रश्न पत्र पे जाएंगे। तो दूसरा देखिए निश्चयवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम शब्द जिनके द्वारा किसी निश्चित व्यक्ति अथवा वस्तु की ओर संकेत किया जाता है, उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि यह मेरा घर है, वो धीरे धीरे चल रहा है, मतलब किसी के बारे में हम निश्चित हैं कि वो ये कर रहा है और ये मेरा ही घर है, जो हम इसके बारे में निश्चित हैं, अपने वाक्य के बारे में निश्चित हैं, उसे हम कहते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहेंगे? जिसके बारे में हमें कुछ पता ना हो, ठीक है। ऐसे सर्वनाम शब्द जो किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर स्पष्ट रूप से संकेत नहीं करते, स्पष्ट रूप से संकेत नहीं करते मतलब हमें उसके बारे में कुछ ज्ञान नहीं है, उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि उसका उदाहरण है, देखिए दूध में कुछ गिरा है, ये जो कुछ है, ठीक है, वो क्या गिरा है हमें नहीं पता, इसलिए वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम में जाएगा, ठीक है। बाहर कोई आया है, कौन आया है हमें नहीं पता, इसलिए ये जो कोई शब्द है वो है अनिश्चित वाचक सर्वनाम के उदाहरण है, ठीक है, जिनके बारे में हमें नहीं पता है। 4 नंबर प्रश्नवाचक सर्वनाम, किसी के बारे में कुछ पूछना है, जैसे कि तुम कहाँ जा रहे हो, ये जो कहाँ शब्द है, क्या तुम खाना खा चुके क्या, ठीक है, ये जो प्रश्न है ये है बाहर कौन खड़ा है, यह प्रश्नवाचक सर्वनाम में आएंगे। 5 नंबर संबंधवाचक सर्वनाम, जिसकी लाठी उसी की भैंस, ठीक है, किसी के साथ किसी का संबंध जुड़ा हो, तो जिसकी लाठी उसी की भैंस, जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा, तो ऐसे जो वाक्य हैं वो है संबंधवाचक सर्वनाम। तो किसी के साथ किसी का नाता है, ठीक है, तो उसी को हम संबंधवाचक सर्वनाम कहेंगे। 6 नंबर निजवाचक सर्वनाम, मतलब अपने बारे में जो हम बोलते हैं, ठीक है, जैसे कि निज, जो सर्वनाम शब्द अपनत्व या निजत्व का बोध कराते हैं निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं अपने आप चला जाऊंगा, वो स्वयं ही रूट गया, तो ये जो है अपने आप या स्वयं, ये अपने बारे में बोल रहे हैं, तो ये है निजवाचक सर्वनाम के उदाहरण। तो पहले आप ये सर्वनाम जो अध्याय है उसको आप ठीक से पढ़िए, फिर हम वो प्रश्न पत्र पे जाएंगे, तभी आप उसके भेद समझ पाएंगे, ठीक है। तो इसे आप पढ़िए, ये आपका रीडिंग है, ठीक है, रीडिंग बार बार पढ़िए और समझिए, याद कीजिए सर्वनाम के भेद, उसके बाद ही हम अपने जो विषय है, जो दूसरा अध्याय है, उसके प्रश्न पत्र पर हम चलेंगे, ठीक है। तो उससे पहले आप वो जो सर्वनाम के बारे में अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। थैंक यू।